हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड में लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो बेवरेजेस सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है। दोस्तों, आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये कंपनी की जो प्रोडक्ट है ये वर्ल्ड वाइड फेमस है। अगर प्रोडक्ट की बात करें दोस्तों, तो एक्वेफिना वाटर है, माउंटेन ड्यू, पेप्सिको, ट्रॉपिकाना, उसी प्रकार स्टिंग। तो दोस्तों, ये इसके इस कंपनी के कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इंडिया में भी फेमस है और वर्ल्ड वाइड भी फेमस है। दोस्तों, देख सकते हैं आप, दोस्तों इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो पेप्सिको, और उसे जो मैनेज करती है वो आरजे आरजे ग्रुप की कंपनी। दोस्तों, आरजे ग्रुप की कंपनी बहुत फेमस है, जिनके अंडर में दूसरी फ्रेंचाइजी भी, जैसे पिज़्ज़ा हट और KFC, उसको मैनेज करती। दोस्तों, उसी प्रकार आरजे ग्रुप इस कंपनी को मैनेज करती, जिनका जो मेन प्रोडक्ट है वो है बेवरेजेस में, और पेप्सी, मेरिंडा, जैसे माउंटेन ड्यू, जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन में 7 अप। दोस्तों, ये सब प्रोडक्ट को ये कंपनी बनाती है और कंपनी का बिजनेस बहुत शानदार है। दोस्तों दोस्तों इस कंपनी के बारे में जिसकी बात कर रहा हूँ वो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। दोस्तों, ये 37,000 की एक मिड लेवल कंपनी है दोस्तों, और इसका जो करंट प्राइस है ये 875 रुपये, और स्टॉक का जो ये 57 है, जो कि अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा ज़्यादा है। परंतु दोस्तों, इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो काफ़ी शानदार है। हमको स्टॉक का पी कंसिडर करके, कभी कभी होता है कि कोई कंपनी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है उनका पी ज़्यादा रहता है। दोस्तों, आरओसी और आरओई से लगभग 10 और 11 के बीच में, और फेस वैल्यू 10 के बराबर। दोस्तों, इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट की बात करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, क्वार्टर रिजल्ट बढ़ रहा है हमेशा। पहले 381 करोड़ था, फिर 172, 500 और 495। कोरोना के टाइम में थोड़ा कम हुआ था, परंतु फिर इसका क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है। उसी प्रकार प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट शानदार है, बढ़ ही रहा है। पहले 800 करोड़ था, फिर 1,000 हुआ, फिर 1,012, और भी 1,600 करोड़ हुआ। उसी प्रकार इस कंपनी का जो बैलेंस शीट, अगर हम उसकी बात करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए, इस कंपनी का जो बोरिंग था पहले 2,000 करोड़ था, 3,000 करोड़ था उधारी, परंतु दोस्तों अभी इसका उधारी एकदम ही कम हो गया, 1,700 करोड़। उसी प्रकार जो रिजर्व है कंपनी के पास वो काफ़ी बढ़ रहा है दोस्तों, 3,500 करोड़ के लगभग है। इसका मतलब ये कंपनी का जो फ्यूचर एक्सपेंशन अगर करना रहा तो बाहर से इन्हें पैसे जुड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपनी अपने मैनेजमेंट के थ्रू इंटरनल डिसीजन लेके खुद के रिजर्व का यूज़ करके कुछ फ्यूचर प्लान कर सकती है। वो कहीं कोई प्लांट लगाना है कोई जगह में दोस्तों, वैसे कर सकती है। दोस्तों, इस कंपनी के अगर हम पर्टिकुलरली CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये कंपनी पिछले 5 साल पहले आई थी, तो इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ तो काफ़ी शानदार है, 37%, 3 साल में 35 और 1 साल में 36। कंसिस्टेंटली ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। दोस्तों, इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए, तो प्रमोटर का 65% है, जो कि काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। FIs और DIs को मिला के टोटल 27% की हिस्सेदारी। इसका मतलब ये दिखाता है कि कंपनी पर फॉरेन निवेशकों का काफ़ी भरोसा है। पब्लिक की बात मात्र 7% के लगभग हिस्सेदारी है। दोस्तों, ये हुआ इस कंपनी के पैरामीटर के बारे में बात करते हैं। अब इसका चार्ट के बारे में देखते हैं। देखिए दोस्तों, 5 दिन में अगर देखें तो लगभग 2% के निगेटिव रिटर्न दिया, परंतु 1 महीने में भी इसने लगभग 2% 1.5% के निगेटिव रिटर्न है। पर जब थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखते हैं 6 महीने का, तो 20% की रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न, जो कि अच्छी बात है। 1 साल में 37% की रिटर्न, और पिछले 5 साल में 375 की रिटर्न। यानी अगर 5 साल पहले आपने निवेश किए रहते तो आपके पैसे को अराउंड 4 गुना कर दे रहा था। दोस्तों, ये कंपनी बहुत पुरानी नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले ही इसका IPO आया था। दोस्तों, तब से कंपनी ने अपने ग्राहकों को 345% का रिटर्न दिया। दोस्तों, ये कंपनी के कुछ और भी पैरामीटर, कुछ और भी बात है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कंपनी का अगर आप स्टॉक का बोनस देखोगे तो हर 2 साल में से 1:2 का रेशो दिए। इस कंपनी को मैं पर्सनली होल्ड करता हूँ इसके कुछ शेयर्स। और दोस्तों, इस कंपनी का जो कंसिस्टेंटली ये जो बोनस है हर 2 साल में देती है, तो दोस्तों इन्वेस्टर के पैसे को हर 2 साल में इसने डबल किया है। और इसका जो डिविडेंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी शानदार है। हर साल जब से कंपनी लॉन्च हुई तब से 2.5 रुपये का डिविडेंड दिए, जो कि काफ़ी शानदार है। ऐसी कंपनी जिसमें डिविडेंड ट्रैक अच्छा हो, जिसका प्रॉफिट रिजल्ट अच्छा हो, और क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रो कर रही है, इसका रिजर्व बढ़ते जा रहा है, तो दोस्तों वो कंपनी में शानदार रहती। और इस कंपनी के ऊपर अगर अभी करंट का ब्रोकरेज का अगर आप कवरेज देखोगे तो देखिए दोस्तों, ICICI डायरेक्ट ने इसमें क्या बताया कि वरुण बेवरेजेस लाइकली लिमिटेड इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। दोस्तों, लॉकडाउन का इस पर बहुत कम असर होने वाला है, क्योंकि बेवरेजेस की कंपनी दोस्तों, तो
और ये घटना जो न्यूज़ आई, ये कल की न्यूज़ है दोस्तों। तो आईसीसी डायरेक्टर का क्या बोलना है कि इनका जो व्यापार है, कोरोना आने के कारण भी इनका व्यापार कम नहीं होने वाला, और उसका जो इन्होंने टारगेट प्राइस दिया है वो देखिए दोस्तों, टारगेट प्राइस 930 रुपये दिया है, जो कि कल ही इन्होंने बताया 930 रुपये का टारगेट दिया है, और अभी इसका जो करंट रेट चल रहा है वो है 870 रुपये के करीब। तो दोस्तों यहाँ से एक कंपनी ने जो टारगेट प्राइस दिया, कंपनी ने 6 से 7% का अपसाइड दिखाया दोस्तों, परंतु मैं चाहता हूँ आप अगर इसको लॉन्ग टर्म तो 2 साल तक तो होल्ड करोगे दोस्तों, आपको 100% प्रॉफिट बना के ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप वरुण बेवरेज कंसिडर कीजिए, ये अपने फील्ड में एक यूनिक प्रोडक्ट है इनका, जो इसको बहुत यूनिक बनाते हैं और जिसका वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो दोस्तों आप इसको कंसिडर कीजिए और अपने स्टॉक में इसको जगह दीजिए, तो आपको आने वाले समय में ये निराश नहीं करेगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।